अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल खालिक। सबसे पहले आपको खुशामदीद। दोस्तों, बढ़ते हैं टेलीनॉर के आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला सवाल है कि द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी है, क्रिकेट है, स्क्वैश, बैडमिंटन। पाकिस्तान का कौमी खेल वो है हॉकी। ये तो करेक्ट आंसर। दोस्तों, टेलीनॉर का आज का दूसरा सवाल है कि DMAS इज़ ए बेसिक रूल है, ये बुनियादी कानून है टू सोल्व प्रॉब्लम, मसले को हल करने के लिए, इन इंग्लिश के अंदर, मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, के फिज़िक्स के अंदर। तो जो ये मैथ का है जी, ये तो करेक्ट आंसर। दोस्तों, टेलीनॉर का आज का तीसरा सवाल है कि हाउ मैनी स्कैंडिनेवियन स्टेट्स आर दी, स्कैंडिनेवियन स्टेट जो हैं कितनी हैं? 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, कि 26 है? इसका आंसर पर दोस्तों वह है 26। ये तो करेक्ट आंसर। दोस्तों, टेलीनॉर का आज का चौथे नंबर पर सवाल है कि ईद इज़ सेलिब्रेटेड इन वन ईयर, ईद जो होती है ये मनाई जाती है साल के अंदर कितनी बार? दो दफ़ा, तीन दफ़ा, एक दफ़ा, के सिक्स दफ़ा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी दूसरे नंबर से भी इसको चेक किया है, ये चारों में गलत आंसर दे रहा है। तीनों का मैंने चेक किया, तीनों को गलत आंसर दे रहा है। ठीक है जी, तो अब मैं, क्योंकि साल में दो दफ़ा ईद मनाई जाती है, तो मैं ट्विस्ट करता हूँ दो दफ़ा, लेकिन यह गलत देगा। ठीक है जी, देखा रॉन्ग आंसर उन्होंने दे दिया। दोस्तों, टेलीनॉर का आज का पाँचवा सवाल है कि वी सिटी इज़ कॉल्ड द हब ऑफ फैशन, फैशन हब ऑफ फैशन का कौन सा शहर कहलाता है? टोक्यो है, लंदन है, मिलन है, कि डेनवर है? और इसका जो आंसर है वो है मिलन। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हुआ है, वो मैंने चारों नंबर से इसको चेक किया है, लेकिन वो बार बार गलत ही आ रहा है। ये तो करेक्ट आंसर है।